भागलपुर के ततारपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत रहमान नर्सिंग होम के सामने ततारपुर पेट्रोल टंकी के बगल में मार्बल दुकान के मालिक के ऊपर तीन नकाबपोशों ने गोली चलाई। एक मोटरसाइकिल पर तीन लोग सवार थे, जिसमें तीन युवक जिसके मुंह पर गमछा बंधा हुआ था उसमें से एक मोटरसाइकिल से उतरते ही लगातार तीन से चार फायरिंग की। मार्बल दुकानदार मालिक ने किसी तरह भागकर अपनी जान बचाई, वहीं देखते ही देखते तीनों अपराधी वहां से फरार हो गए। कुछ देर बाद घटनास्थल पर ततारपुर थाना की पुलिस पहुंचकर छानबीन में जुट गई। हालांकि दुकानदार मोहम्मद वजीउल्लाह उर्फ टिंकू ने इस घटना के बारे में कई अहम बातें बताई। उन्होंने कहा कि मैं पहले अपराध क्षेत्र में रहा हूं, मैंने पहले कई अपराध किए हैं, लेकिन अब मैं अपने परिवार और बच्चों के साथ शांति से जीवन यापन करना चाहता हूं। मैं अपराध के क्षेत्र से काफी दूर जाना चाहता हूं, लेकिन मैं अजय मिश्रा, काजू मियां, फाटक मियां को अपराध में सहायता नहीं कर रहा हूं, तो मुझे जान से मारने की कोशिश कर रहा है, जिसके चलते आज दिन दहाड़े मेरे दुकान पर आकर मुझे गोली से मौत के घाट उतारना चाहा। मैं प्रशासन से गुहार लगाता हूं कि मुझे और मेरे परिवार की मदद की जाए और मैं अपराध से दूर शांति का जीवन यापन करना चाहता हूं, इसमें प्रशासन भी मेरी मदद करे। सामने से जो है मोटरसाइकिल से तीन आदमी गुजरा है, एक आदमी उतर के उधर बस देखे उधर से आया है, यहाँ पर वो गोली चलाया है, हम उसको ताने देख लिए, उसके भागे है। कितना फायर? पहला फायर जो किया था हम उठ के भागे है, अंदर घुस गया, लगातार तीन से चार फायर किया है। उसके बाद हम अंदर से टाइल्स फेंकने लगे ताकि लोग आगे तो मेरे तरफ लोग जमा हो जाए, उसके बाद जो है वो लोग भाग गया है। क्या कारण? कारण यही है कि हम जो अपराध से किनारा कर चुके हैं अपराध दुनिया से, अब हमको उससे दुनिया से कोई मतलब नहीं है और हम जो अपना अलग जिंदगी जीना चाहते हैं अपना अपने परिवार के साथ। कौन कौन? देखिए वो जो गोली चलाया उसको पहचाने नहीं, और मुंह बांधे हुए कपड़ा बांधे हुआ था मुँह। ये वही अजय मिश्रा है, काजू मियां है, फाटक मियां है, सब लोग ये लोग के द्वारा है। एक वो लोग को चाहते हैं कि हम उनके साथ रहें, साथ दें, सहयोग करें, हम ये सब चाहते नहीं अब जो है जी हाँ छोड़ चुके हैं, हमें सबसे बड़ा कोई वास्ता नहीं है। वो लोग चाहता है कि हमको सहयोग करे, साथ दे मेरा। देखिए ततारपुर वाली जो घटना हुई है, एक दुकान है मार्बल व्यवसायी की ततारपुर चौक के पास में, दोपहर में ये सूचना प्राप्त हुई थी, पुलिस की टीम वहाँ मौके पर मौजूद है, एफएसएल की टीम को बुलाया जा रहा है और विभिन्न बिंदुओं पर जांच चल रही है, जैसे हम लोग किसी नतीजे पहुँचेंगे आप लोगों को भी सूचित करेंगे। संदिग्ध मामला लग रहा है या नहीं? देखिए मैंने बोला कि विभिन्न बिंदुओं पर जाँच चल रही है कि गोली किस परिस्थिति में चली और क्यों चली, दोनों पर्सपेक्टिव से हम लोग जाँच कर रहे हैं, जैसे किसी नतीजे पहुँचेंगे हम आपको बताएंगे।